रोहतक जेल में राम रहीम से मिले परिवहन मंत्री कृष्ण पवार। पवार बोले जेल आवास और परिवहन मंत्रालय उनके पास समय समय पर करते रहते हैं जांच। कल सुनारे जेल में जांच के दौरान कुछ बातें आई सामने, उसी दौरान राम रहीम से हुई मुलाकात। जेल मैनुअल के मुताबिक राम रहीम को मिल रही है सभी सहूलतें। इसके लिए हमने उनकी सैलरी का मामला था, हमने बैंक में डाली की थी, हमने किसी से बैंक की रिपोर्ट भी मांगी है और उनके एड्रेस भी मांगे हैं। यदि किसी ने इस प्रकार से किया है तो निश्चित तौर पर हमारे संज्ञान में आपकी सरकार से निर्देश दिए हैं। सरकार की हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि किसान का जो बीमा कराते हैं, जो किसान को नुकसान होता है तो सबसे पहले उसको उसका मुआवजा दिया जाए। तो एक गाँव के अंदर किसान का बका रहता बाकी सबको मिला है और उस कंपनी की नेगलिजेंसी की वजह से वो गांव को दूसरे गांव में चेंज कर दिया गया है, तो उसके लिए हमें ड्यूटी मैनेजर को बुला लिया था। आईसीआईसी इसके लिए तभी एक और केस आया था, उनका समाधान कर दिया था। क्या बात है, मैं प्रिवेंट आवास और जेल मंत्रालय में मेरे पास है तो मैं तो बाढ़ में भी गया था, तो मेरा रूटीन का है जिस भी रूट के ऊपर हूँ मैं तो अपने विभाग के जेल है चाहे ट्रांसपोर्ट है चाहे आवास है मैं सभी को रूटीन में चेक करता रहता हूँ। तो मैं अकेला राम रहीम को नहीं मिला, सभी बंदियों को लाइन में लगे थे, एक से पूछा आप किस केस में कोई आपकी ग्रीवेंसेस है, तो एक बंदी ने मुझे बताया कि पेरोल की समस्या है, हम तीन मिसेज का बेटा और खुद बंदी है, कहते हैं कि मेरी मिसेज की पेरोल हो चुकी है, बेटा और मैं बंदी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जब परिवार के दो तीन लोग हों पेरोल दी जाए तो सभी को दी जाए जिससे घर का कोई काम हो निपटा सके। एक मंदिर में ये जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीजें मिलनी थी मुझे प्रॉपर मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने पहले अनाउंस किया था कि हम ठेका प्रथा बंद करें और इनकी मांग थी कि हमारे को डीसी में जो 8100 रुपया दिया जा रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इसके लिए यूनियन के पदाधिकारी कुछ लोग दूसरे ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और टेबल पर बैठ कर तय हो गया था भाई आपके 11,500 रुपये कर दिए जाएंगे और आपकी जो मांग है ठेका पड़ना वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन क्या इसमें भी तो बाद में दिक्कत आई, उस टाइम तो यस करके आगे थे, बाद में फिर उसको डिनाई कर दिया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री इसको खुद देख रहे हैं, कविता जी इसको खुद देख रहे हैं।